नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4, इसका प्रश्न नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। इसका तीसरा भाग, के का मान ज्ञात कीजिए जब निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। पी एक्स हमें दिया हुआ है के एक्स स्क्वेयर माइनस रूट दो एक्स प्लस वन। अब गुणनफल नहीं है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में भी यदि गलती से कहीं गुणनफल प्रमेय लिखा गया हो तो इसको ठीक कर लेना, गुणनखंड प्रमेय है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है तो p ऑफ वन जो है वो जीरो के बराबर होगा, यही हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, और p ऑफ वन का मतलब यह है कि इस पूरे बहुपद में x की जगह लिख दो वन, तो यह है k x स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर माइनस रूट दो x की जगह वन प्लस वन, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ये जीरो के बराबर। पी ऑफ वन का मतलब पी एक्स में एक्स की जगह वन लिखा, पी ऑफ वन जीरो के बराबर है तो ये सारा भी जीरो के बराबर होगा। आइए हम इसे हल करते हैं। वन का स्क्वायर होता है वन, वन को के से गुना कर दिया के, माइनस रूट दो को वन से गुना कर दिया रूट दो, प्लस वन ऐसे ही रहेगा बराबर जीरो। अब के किसके बराबर आ गया, वन इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस वन, रूट दो इधर माइनस हो रहा है उधर जाके बराबर के उधर जाकर हो जाएगा प्लस रूट दो। अब ये आगे हल नहीं हो सकता क्योंकि बिना रूट वाली रकम में प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो यही के की वैल्यू है जो हमें निकालनी थी। इसका चौथा भाग हम देखते हैं, पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वेयर माइनस तीन एक्स प्लस के। तो गुणनफल प्रमेय के अनुसार, फिर से बेटा गुणनफल नहीं गुणनखंड प्रमेय, सॉरी ये मेरी गलती है, अगर पिछले क्वेश्चंस में भी कहीं मैंने आपको गुणनफल प्रमेय बोला हो तो गुणनखंड प्रमेय है। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है तो p ऑफ वन जीरो के बराबर होगा, तो इस पूरे बहुपद में x की जगह लिख दो वन, तो देखो ये है k x स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस तीन इंटू एक्स की जगह वन प्लस k की जगह k बराबर, ये जीरो के बराबर है तो ये जीरो के बराबर होगा। अब देखो वन का स्क्वायर होता है वन, वन इंटू के माइनस थ्री वन द थ्री प्लस प्लस k बराबर जीरो, k प्लस k टू के माइनस थ्री इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में थ्री यहां पहले से है, टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब ये थ्री बटा टू जो है ये के की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हमें दिया हुआ था कि एक्स माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है तो हमें पता है कि p ऑफ वन जीरो के बराबर होगा, सभी भागों में हमने x की जगह वन लिखकर k की वैल्यू को निकाला है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज बच्चों मेरे वीडियो को प्लीज 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 लाइक जरूर करना। धन्यवाद।